सुप्रा फार्म्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ नया अपने फार्म पे किए हैं जिसके बारे में बताना चाहते हैं। उमेश जी हैं, उमेश जी को हम लोग बुलाया था। हम लोग 28 दिन के बाद, मतलब AI करने के 28 दिन के बाद अपनी गायों का जांच कर रहे हैं उसके प्रेगनेंसी के बारे में। तो एक ये किट है बायो इजी का, बोविन प्रेगनेंसी रैपिड टेस्ट किट। ये 8500 रुपये का हमने गुजरात से मंगाया है, जिसमें 25 किट है और इस तरीके के बॉक्स में ये किट आता है। ये इस तरीके के बॉक्स में किट आता है और इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपकी कौन सी गाय ओपन है या कौन सी गाय आपकी प्रेग्नेंट है, ये जानने में बहुत सहायक होता है। अब ये देखिए, इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि किस पोजीशन को क्या आप समझेंगे और कौन सी गाय आपकी प्रेग्नेंट हुई और कौन सी नहीं हुई, आप इसको जांच के बता सकते हैं। तो इसमें ये तो तरीका बताया गया है। अब हम लोग बताते हैं कि हमारी कितनी गायें हैं जो इस किट इसमें आया, कितनी गायों का हमने टेस्ट किया और कितनी गायें इसमें टेस्ट में पॉजिटिव आए। सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि ये सही है या गलत, उसके जांच के लिए हमने अपनी 36 नंबर गाय को सबसे पहले चेक किया, जो कि दो स्ट्रिप आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये प्रेग्नेंट है। और ये उमेश जी इसको हाथ से जो PD होता है, PD इसका कर चुके थे और PD में ये प्रेग्नेंट थी और वैसा ही यहाँ पे भी आया। अब इसके अलावा जो हमने कुछ गायों को किया है उसमें हमारी जो है 27 नंबर 28 नंबर दो बछड़ी थी, ये दोनों को ग्रिफ का सीमन लगा हुआ था, ये दोनों प्रेग्नेंट कंफर्म हुई हैं। ये आप देखिए इसमें दो दो लाइन है ना लाइन, तो ये इसका कंफर्मेशन है कि ये दोनों कंफर्म है। इसके अलावा आपकी एक 26 नंबर है, इस पे आप फोकस कीजिए, इस पे ये देखिए, ये 26 नंबर में, ये 26 नंबर में आपको टेस्ट लाइन पतला लग रहा है, मतलब ये सस्पिशन में है। इसको हम लोग अगले हफ्ते फिर एक बार चेक करेंगे। एक हमारी 22 नंबर है, उसमें भी सस्पिशन है। एक ये एक नंबर हमारी गाय थी जो टेस्ट में फेल कर गई है और ये देखिए फेल में इसका रिजल्ट पे टी में कोई लाइन नहीं दिख रहा है। अगर टी में लाइन नहीं दिख रहा है इसका मतलब गाय प्रेग्नेंट नहीं है। अब एक नंबर का हम लोग दोबारा से जांच करके और उसको दोबारा से AI के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो एक नंबर हमारी प्रेग्नेंट नहीं निकली और बाकी जितनी भी गाय थी, देखिए 5 नंबर को भी हमने टेस्ट किया, 5 नंबर में भी सस्पिशन है क्योंकि उसमें भी तीसरी लाइन जो है वो बहुत लाइट आई है। तो जब लाइट आएगी तो हम लोग के पास क्या है कि फिर 7 दिन बाद हम लोग दोबारा से इस टेस्ट को रिपीट करेंगे। और चूंकि 5 नंबर का अभी 28 ही दिन हुआ है इसलिए उसमें हल्का लाइन है और वही जैसे ही हमारी 5 नंबर, मतलब जब दोबारा हम लोग इसको जांचेंगे आज से कुछ दिन बाद, 10 दिन बाद, तो फिर हम लोग कन्फर्म करेंगे कि हमारी 26 नंबर 22 नंबर और 5 नंबर भी गाभिन हो गई है। फिलहाल के लिए हमने 27 और 28 का PD टेस्ट फाइनल कर दिया। दोनों हमारी जो है गाय जो है गाभिन है, कंफर्म है बछिया दोनों गाभिन और दोनों में वर्ल्ड वाइड सायर ग्रिफ का सीमन लगा हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छा है कि हम लोग 28-30 दिन में ही जान जा रहे हैं कि गाय प्रेग्नेंट है या नहीं। क्या उमेश जी आपको क्या लगता है, इस चीज का कोई फायदा होगा? ये तो बहुत बढ़िया। नमस्कार, हम लोग यहाँ पर 60-65 दिन में प्रेगनेंसी टेस्ट करके हाथ से बताते थे, हम खुद बताते थे कि प्रेग्नेंट है या नहीं। उसको हम लोगों ने मात्र 32 दिन यानी 30-32 दिन कर, ये 30 ये जो है 30 से 32 दिन में बोवाइन प्रेग्नेंसी रैपिड टेस्ट है, इसके माध्यम से हम लोगों ने 30-32 दिन का प्रेग्नेंसी टेस्ट कर दिया। ये है टेस्ट करके हम लोगों ने सबसे महंगा सीमेन हम लोग 27 और 28 को डाले थे, जो ग्रिफ का सीमेन आता है 4,500 का सीमेन, 4,500 का सीमेन आता है जो हम लोग एक्यूरेट हम लोग के यहाँ आकर के खर्च हुआ है उसका। इसके बाद अलग मतलब महंगाने का हो गया कि 4,500 रुपए आपका सद गया एक बार में। तो ये हम लोग दो गाय पर अभी किए थे, दोनों प्रेग्नेंट निकली। टेस्ट हमने 5-6 में किया जिसमें से 1-2-3-4 मतलब एक को छोड़ के बाकी सब प्रेग्नेंट। सबसे महंगा वाली जो है
दो प्रेग्नेंट निकली और इसके बाद हम लोग और गाय भी देखे हैं जो सस्पिशन में है, तो उसको फिर एक सप्ताह बाद हम लोग चेक करेंगे दोबारा किट के माध्यम से। और फिर हम लोग के लिए ये किट नया है, इसलिए हम लोग फिर अगले बार जब 60 दिन होगा तो एक बार संतुष्टि के लिए हाथ से भी टेस्ट करके देख लेंगे कि हमारे यहाँ ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है कि हम 8 महीना 7 महीना 6 महीना पर फिर खाली निकली तो हम दुखी हो जाए। इसलिए ये किट जो है बहुत हमारा समय बचा रहा है, थोड़ा सा कष्ट ज़्यादा है लेकिन चारे दाने के हिसाब से तो बहुत कम है और हमारा काम अगर एक गाय 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना आपका पहले आप डिटेक्ट कर लेते हैं कि वो गाभिन नहीं है तो आपका वो पीछे आगे 1 महीना आगे का जो है उसका हम लोग जान जाएंगे और खर्च को बचा लेंगे, क्योंकि एक टाइम के बाद गाय जो है वो अपना खर्च भी नहीं उठाती है, वो आपके कमाई वाले पैसे में से अपना खाना निकालने लगती है तो आपका एक्सपेंसिव हो जाता है। इसलिए ये टेस्ट हम लोग को बहुत सूट किया है अभी कि हम लोग जो है टेस्ट कर करके निकाल लिए कि कितनी गाय हमारी गाभिन है और कितनी नहीं है। अब जो भी गाभिन हम लोग की कंफर्म हो गई है उसको हम लोग टिक कर देंगे और टिक करके क्या करेंगे कि उसको इसी समय हम लोग पीडी में डाल देंगे कि हाँ ये हमारी गाय गाभिन है। और चूंकि अब ये गाभिन है तो हम लोग के पास समय बच गया, अब जो है हम लोग को कन्फर्मेशन हो गया कि इतनी गाय हमारी अक्टूबर में ब्याह जाएगी। ये इस टेस्ट का फ़ायदा है। अब जो है इसका हम लोग आपको जो है अगले जब भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें बता देंगे कहाँ से हमने मंगाया है। मंजिल फार्मा करके एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है वहाँ गुजरात में, उन्होंने हमको कुरियर किया था, हमने कुरियर से इसको प्राप्त किया है और आज ही हमारे पास आया और हमने इतने गायों का टेस्ट किया है जिसमें हमने काफ़ी सारी गायें पॉजिटिव पाई है। तो अब है क्या कि कुछ दिन में फिर हम लोग एक बार दोबारा रिपीट इन लोग का टेस्ट कर लेंगे, जो एक दो गाय सस्पिशन में है 22 नंबर और 26 नंबर में थोड़ा सस्पिशन है तो उसको जब एक बार हम लोग टेस्ट कर लेंगे तो हम लोग को अंदाज़ आ जाएगा कि वो लोग भी प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो इस वीडियो को बनाने का बस यही मकसद था बताना कि हम लोग इस तरीके से भी अपने यहाँ प्रेगनेंसी टेस्ट डायग्नोसिस कर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, धन्यवाद।